नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसकिरण सिंह है और आप वास्तुशास्त्र फॉर होम देख रहे हैं। दोस्तों, आज भगवान परशुराम जयंती है। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान परशुराम के बारे में आज मैं कुछ आपसे जानकारी शेयर करना चाहूंगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, मैं अपने हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा। भगवान परशुराम जो है वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, और विष्णु भगवान के हर अवतार का एक ग्रह से भी संबंध है, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं वो भगवान विष्णु के अवतारों को दर्शाते हैं। तो परशुराम भगवान का जिस ग्रह से संबंध है वो है शुक्र। तो परशुराम भगवान के जीवन के ऊपर कुछ जो कहानियां हैं मैं वो आपसे शेयर करूंगा, उसी से आपको शुक्र की जो परख है उसके बारे में जानने का भी अवसर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो जो भगवान परशुराम हैं वो जमादग्नि ऋषि हैं, माता रेणुका हैं, उनके पुत्र हैं। और इनके पिता जो हैं उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी, उनकी जो ज्ञान था उसकी जो चर्चा थी वो चारों ओर थी। एक कहानी, एक कथा जो है वो ऐसी कही जाती है कि एक बार इनकी माता जो थी वो जल भरने के लिए नदी पर गई। वहां पर उन्होंने पानी में कुछ राजकुमारों को या गंधर्व को क्रीड़ा करते हुए देखा, तो वो इतने खूबसूरत थे कि थोड़ी देर के लिए उनका ध्यान भटक गया, वो उनके ध्यान में खो गई थोड़ा सा। तो इसलिए आश्रम में पहुंचने पर उनको काफी देर हो गई। जब वो आश्रम पहुंची तो जो इनके पिता थे जमादग्नि ऋषि, उन्होंने जो उनका तप था उसके बल के ऊपर यह जान लिया कि उनको देरी क्यों हुई। तो उन्होंने देखा कि भाई उनकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो पुरुष हैं उनकी कामना में खो गई थी कुछ देर के लिए। इस बात पर जो ऋषि थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने एक एक करकर अपने बेटों को बुलाया और उनको एक आदेश दिया। उन्होंने पहले अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसको आदेश दिया कि भाई तुम अपनी माता का वध कर दो। ब्राह्मण थे, ऋषि थे, जो बेटे थे उनको ज्ञान भी था, माता का वध करना तो मतलब परम पाप हो गया। तो बेटे ने मना कर दिया, दूसरे बेटे को बुलाया, तीसरे बेटे को बुलाया, तो सब बेटों ने मना कर दिया कि हम अपनी माता का वध नहीं करेंगे। अब भगवान परशुराम जो थे वो घर लौटे, तो जो इनके पिता थे उन्होंने बोला उनको कि भाई तुम अपनी माता का और अपने भाइयों का वध कर दो। तो भगवान परशुराम ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का और भाइयों का वध कर दिया। ये देखकर जो उनके पिता थे वो खुश हो गए। उन्होंने बोला कि भाई तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि पिताजी, जो मेरी माता है और जो मेरे भाई हैं आप उनको जीवित कर दीजिए, और जब वो जीवित हों तो उनको इस घटना के बारे में कुछ भी याद ना रहे। किस्सा बहुत छोटा सा लगता है कि भाई एक किस्सा है, इसमें खास बात क्या है। इसमें खास बात आपको दिखाई देती है, जैसे मैंने बोला कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनको एक एक ग्रह से भी जोड़ के देखा जा सकता है। और यहाँ पर जो ग्रह हैं जिनसे भगवान परशुराम को जोड़ के देखा जाता है वो है शुक्र, और शुक्र जो है वो गुरु है। शुक्र जो है उनको परख है, पारखी बोला जाता है। शुक्र का जो की माना जाता है एलिमेंट वो है उनकी परख। तो आप यहां पर ये देखिए कि भगवान परशुराम जब लौटे और उनके पिता ने बोला कि माता का वध कर दो, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने अपने पिता से कोई सवाल नहीं करा, उनके मन में कोई शंका नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा परख मौजूद थी, वो एक क्षण में इस बात का अंदाजा लगा सकते थे कि अगर मेरे पिता जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो इतने नॉलेजेबल हैं, जिनको पूरी पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड मानता है कि महर्षि को बहुत ज्ञान है, अगर उन्होंने मुझे कुछ आदेश दिया है तो वो गलत नहीं हो सकता। सोच के देखिए, उन्होंने एक क्षण नहीं सोचा। ये चीज साबित करती है कि भगवान परशुराम का जो खुद का जो उनका ज्ञान का जो लेवल था वो कहां पर था, जो उनकी परख करने की क्षमता थी वो कहां पर थी। तो ये पहली चीज हुई। अब इन्हीं कथाओं के अंदर एक कथा जुड़ती है, क्योंकि देखिए ज्योतिष के अंदर शुक्र को बहुत ही ऐसा ग्रह माना गया है कि जो लग्जरी देने वाला ग्रह है और बहुत
बहुत ही प्यार मोहब्बत वाला ग्रह माना गया है। लेकिन जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अंदर शुक्र के पास दो घर हैं और दोनों ही मारक स्थान है, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 7। तो भाई फिर शुक्र के पास ये क्यों है? तो वो जो मारक क्षमता है वो भगवान परशुराम को दिखाती है। तो अब वो कथा के ऊपर आते हैं हम कि वो जो परशुराम भगवान की जो मारक क्षमता है वो क्या है। तो अब कथा ऐसे जाती है कि एक राजा थे, राजा का नाम था सहस्त्र अर्जुन, उनकी सहस्त्र भुजाएं थी। तो वो बहुत ही ऐसा माना जाता है कि उस समय अपनी जो प्रजा थी उस पर जुल्म भी करते थे, उनका जो क्रियाकलाप थे वो भी सही नहीं थे। एक बार जो राजा थे सहस्त्र अर्जुन वो महर्षि जमादग्नि के आश्रम में आए, उनके साथ उनकी बहुत सारे लोगों की सेना भी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई ऋषि से कि भाई हम तुम्हारे आश्रम आए हैं, हमें भाई थोड़ा सा खाना पीना और जो भी उनको चाहिए था मौजूद वो उसका इंतजाम करने के लिए। अब इतने सारे लोग थे लेकिन उन सभी के खाने पीने का और सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि महर्षि के पास एक गाय थी कामधेनु गाय जो भगवान इंद्र ने उनको दी थी। अब ये कामधेनु गाय भी ध्यान दीजिएगा कि ये समुद्र मंथन के दौरान आई थी, कामधेनु गाय का जिक्र आता है ना, जो मनोकामना की पूर्ति करती है और उसको भी कहीं ना कहीं शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। अब वो कामधेनु गाय को देखकर जो राजा थे उन्होंने कहा यार कि ये जो गाय है इनका इस ऋषि को क्या फायदा है, ये तो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में तो लालच था। तो उन्होंने ऋषि को बोला कि भाई ये गाय जो है ये तुम मुझे दे दो। अब ऋषि जो थे उन्होंने बोला महाराज मेरा तो जो आश्रम का सारा कार्यक्रम है वो इसी के थ्रू होता है पूरा, तो ये मैं आपको कैसे दे दूं। पर जो राजा थे वो जिद पर अड़ गए और वो कहीं ना कहीं जबरदस्ती करके गाय को ले जाने लगे। ये किस्सा हो गया। भगवान परशुराम घर लौटे, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे पिता का अपमान करके जो यहाँ पर राजा आए थे वो ऐसे ऐसे जो कामधेनु गाय थी उसको ले गए। इस बात पे वो बहुत क्रोधित हो गए और जाकर उन्होंने सहस्त्र अर्जुन की सहस्त्र भुजाएं काट दी और उनको मार डाला। ऐसा करने के बाद जब घर लौटे तो ऋषि उनके ऊपर नाराज हो गए। उन्होंने बोला अपने बेटे को कि भाई तुमने तो ये बहुत गलत करा, क्योंकि तुमने मतलब एक राजा की हत्या बहुत बड़ा पाप है, राजा कैसा भी हो पर उसकी हत्या बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि राजा अकेला नहीं है, राजा के पीछे एक पूरी प्रजा है, अब उसकी पालना कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि इस पाप को तुम जो है प्रायश्चित करो और तीर्थ स्थानों पर जाओ और नदियों में स्नान करने से तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। और आज तक ऐसी परंपराएं हैं जहां पर कि हम जो धार्मिक नदियां जैसे गंगा जी जाकर या और जहां पर संगम होता है नदियों का वहां पर जाकर हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो ये इस कथा से आता है ये चीज। तो प्रायश्चित करने के लिए गए लेकिन जो राजा था सहस्त्र अर्जुन उसके जो रिश्तेदार थे और उसके जो बच्चे थे उन्होंने मिलकर जमादग्नि ऋषि के आश्रम पर हमला कर दिया और ऋषि को जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया। भगवान परशुराम लौटे तो उनकी माता ने उनको पूरा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता का वध कर दिया। तो ऋषि के शरीर पर 21 घाव थे, तो वो घाव देकर भगवान परशुराम ने प्रण लिया कि मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। और ऐसा माना जाता है कि ये उन्होंने करके भी दिखाया और पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार रहित कर दिया, यानी कि क्षत्रियों के वंश का पूरा नाश जो है वो भगवान परशुराम ने किया समय आने पर। तो ये जो कथाएं हैं भगवान परशुराम के बारे में ये कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं तो ये जुड़ती हैं। और जो आने वाले हमारे कई वीडियोस रहेंगे वहां पर हम ऐसी कथाओं का जिक्र करेंगे जहां पर कि एस्ट्रोलॉजी से ऐसी जो मैथोलॉजिकल कहानियां हैं वो कैसे कनेक्ट होती हैं और कैसे वो कई सूत्रों का निर्माण करती हैं। तो आज की ये कथा इसीलिए है। और एक बार फिर आप सभी लोगों को भगवान परशुराम जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।